हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिच माइंडसेट। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और प्रेस द बेल आइकॉन, जिससे आपको आने वाले वीडियो के अपडेट जरूर मिले। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे मेन चीज़, इसको बोलते हैं इन्विटेशन, हाउ टू इन्वाइट पीपल। बेसिकली होता है क्या है कि जो बाकी चीज़ें होती है, फॉलोअप, क्लोजिंग और जो भी दूसरी चीज़ें, वो आपकी अपलाइन भी कर सकती है, लेकिन इन्विटेशन आपको आपकी अर्लियर स्टेज नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको खुद को करना पड़ेगा। सो इन्विटेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे टेक्निक्स होती है और इस वीडियो में हम वही टेक्निक्स के बारे में अच्छे तरीके से ब्रॉड वे में जानेंगे, किस तरीके से लोगों को इन्वाइट करना है प्रेजेंटेशन और मीटिंग्स के अंदर। क्योंकि कुछ चीज़ें, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले ही बात करी, फॉलोअप हो गया, क्लोजिंग हो गया, फॉलोअप, क्लोजिंग और प्रेजेंटेशन, वो आपकी अपलाइन भी दे सकती है जब आप आपके प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट कर दोगे तो। सो आगे बढ़ाते हैं और टेक्निक्स की तरफ फोकस करते हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक टू इनवाइट पीपल इन नेटवर्क मार्केटिंग, सबसे मेन चीज़ होती है कि लोगों को इनवाइट कैसे करना है। तो सबसे पहली टेक्निक है, डोंट बी प्रोफेशनल। आपको आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर, आपका जो भी सर्कल है उसके अंदर आपको प्रोफेशनल की तरह बिहेव नहीं करना। किसी भी प्रोस्पेक्ट को बुलाने के लिए, जो आपका फ्रेंड है, उसको सर वर करके नहीं बुलाना है। बी कैजुअल, हमेशा कैजुअल की तरह बिहेव करें, जैसे आप पहले बिहेव करते थे वैसे। बी योर सेल्फ, डोंट बी प्रोफेशनल, डोंट से योर फ्रेंड सर एक्सेट्रा एंड डोंट बी फॉर्मल। क्योंकि एक बार आप जब फॉर्मल हो जाओगे तो आपकी जो फ्रेंडशिप थी, जो रिलेशनशिप है, वो इस तरीके का स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा। तो कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद लोग चेंज हो जाते हैं, किसी भी प्रोस्पेक्ट को बुलाते हैं तो सर आप कैसे हो, ये ब्ला 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 एंड नंबर ऑफ थिंग्स करने लग जाते हैं। इसी कारण जो प्रोस्पेक्ट होता है, जो भी आपका गेस्ट होता है, वो सोचता है कि इसको हुआ क्या। तो इस चीज़ को आपको मेनली फोकस करना है कि डोंट बी प्रोफेशनल। आपको हमेशा बी कैजुअल, बी योर सेल्फ, डोंट बी प्रोफेशनल, ओके। सो सेकेंड थिंग है, फोकस ऑन मीटिंग, मीटिंग के ऊपर फोकस करना है। प्रमोट मीटिंग, डोंट टेल एवरीथिंग ऑन फोन, डोंट गिव प्रेजेंटेशन ऑन कॉल। आपको कभी भी 2 मिनट प्रेजेंटेशन कॉल पे नहीं देनी है सर, क्योंकि होगा क्या, आप अच्छे से समझा नहीं पाओगे और प्रोस्पेक्ट आपका नेगेटिव होके आपको कभी भी इस बिजनेस में आपका साथ नहीं देगा। अगली बार मिलेगा तो भी बोलेगा, अच्छा वही है तू जो मुझे बता रहा था। तो कभी भी 2 मिनट प्रेजेंटेशन आपको फ़ोन पे नहीं देनी है। आपको कुछ चीज़ें होती है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे तरीके से बताऊंगा कि आप किस तरीके से क्यूरियोसिटी डेवलप करके डायरेक्टली इन्वाइट करना है, ओके। सो कुछ चीज़ें होती है जो आपको कभी नहीं बोलनी है। पहली चीज़, एक अपॉर्चुनिटी, एक लाइफ चेंजिंग सेमिनार, एक हाईएस्ट रनर, क्योंकि ये चीज़ अब कॉमन हो चुकी है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। सब लोग यही बोलते हैं, डोंट टेल एनीथिंग टिल यू कैन टेल एनीथिंग, ओके। डोंट यूज़ कुछ चीज़ें, पास मिल जाएगा, पास अरेंज कर दूंगा, सीनियर पास अरेंज कर देंगे, ओके। इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द प्रोस्पेक्ट, कन्फर्म योर प्रोस्पेक्ट बिफोर ड्रॉपिंग ए कॉल। आपको कॉल ड्रॉप करने से पहले आपको प्रोस्पेक्ट को कन्फर्म करना है डेट, टाइम, वेन्यू। इफ़ समवन से नेटवर्क मार्केटिंग की तो नहीं है तो हाँ भी नहीं बोलना, ना भी नहीं बोलना, क्योंकि आप लोगों से बात करोगे तो आप, कुछ लोग आपको बोलेंगे नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन, क्रॉस क्वेश्चनिंग करना है कि क्या है नेटवर्क मार्केटिंग ओनली, क्योंकि इससे होगा क्या, जब आप ये क्रॉस क्वेश्चनिंग कर दोगे क्या है नेटवर्क मार्केटिंग, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। तो उसको फॉलोअप करके आप मीटअप करके क्लियर कर सकते हैं अच्छे तरीके से, ओके। तो चौथी मेन टेक्निक है, कट द फोन विद स्माइल। आपको कभी भी फ़ोन विदाउट स्माइल कॉल कट नहीं करना है। डोंट मेक कॉल टू लॉन्ग, क्योंकि आप कॉल को बहुत ज़्यादा लॉन्ग कर दोगे तो सामने वाला बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि यार ये कितनी बातें कर रहा है, चाट रहा है, ये कर रहा है। क्योंकि लोगों को दूसरे काम भी तो होते हैं सर, एक ही काम थोड़ी ना कि आपसे बात कर। ज़्यादा कॉल को लंबी नहीं खींचना है, कॉल को 3 से 4 मिनट्स में आपको सब चीज़ें क्लियर कर देनी। से बाय विद एंथुसियाज्म, एक एनर्जी फील होनी चाहिए सामने वाले को कि यार हाँ यार इस बंदे में एनर्जी है, थोड़ा मोटिवेट कर। तो क्या आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि आप स्माइल मेंटेन करोगे तो सामने वाला है एक पॉजिटिव फील करेगा, एक अच्छा फील करेगा। वो जब आप उसको बाय करोगे आपके फुल एनर्जी से, तो एक एनर्जी फील होगी उसको कि हाँ यार ये कुछ कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं एक वाइब्रेशंस आएंगे उसके अंदर भी। तो ये बहुत मेन चीज़ होती है। सबसे मेन चीज़ मेरे हिसाब से, आपको कॉल ज़्यादा लंबी नहीं चलानी है, बंदे को फ्रस्ट्रेट नहीं कर देना। सामने वाला फ्रस्ट्रेट हो जाएगा तो आपके लिए ही प्रॉब्लम हो जाएगी ये चीज़, क्योंकि वो सोचेगा कितना चाटता है यार, दूसरे काम भी है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। तो ये चीज़ आपको फोकस करनी है कि आपकी कॉल को हमेशा ज़्यादा लंबी नहीं करनी। शॉर्ट कॉल 3 से 4 मिनट में आपको सब चीज़ें कवर अप करके, सब खत्म करके आपको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में 4 मिनट में क्या क्या करना है ये बात करूँगा। अब पाँचवीं टेक्निक की बात करें, मेक ए स्क्रिप्ट बिफोर कॉल। कॉल करने से पहले आपको हमेशा एक स्क्रिप्ट, एक पॉइंट, किन किन पॉइंट पर आपको बात करनी है वो हमेशा लिखनी, क्योंकि
लोग कॉल कर देते हैं, बातें कहाँ से कहाँ चल जाती है। सो मेक ए प्रॉपर स्क्रिप्ट बिफोर कॉल। कॉल करने से पहले आपको एक प्रॉपर स्क्रिप्ट हमेशा बनानी है, क्योंकि होता क्या है, हमेशा बातें ऑफ ट्रैक चल जाती है। बातें कहाँ करनी है, किस तरीके करनी है और कहाँ से कहीं चल जाती है। तो मैं कहूँ प्रॉपर स्क्रिप्ट से क्या होगा, आपके पास एक स्क्रिप्ट बन जाएगी, आपको इसी वे में बात करनी, इसी फॉर्मेट में बातें करनी, इसी स्टेप में बात करनी, इसे एक डायरेक्शन मिलेगा आपको बात करने का, और आपका भी टाइम ज़रा वेस्ट नहीं होगा और आप सामने वाले का टाइम भी वेस्ट नहीं करोगे। मेंशन ऑल मेन पॉइंट यू नीड टू डिस्कस। आपको सारे मेन पॉइंट लिख के रखने हैं जो जो आपको डिस्कस करने हैं। फॉर एग्जांपल आपको कुछ आपके बिजनेस आइडियाज़ के बारे में बात करनी है, आपको फॉर एग्जांपल कब मिलना है इस बारे में बात करनी है, तो ये चीज़ें आपको लिखनी है, डेट टाइम वेन्यू ये सब चीज़ें आपको लिखनी है, कब कब मैं क्या क्या ऑप्शन दे सकता हूँ सामने वाले को, तो इससे आपके पास ही इन्फॉर्मेशन होगी। ओके, डोंट लेट कन्वर्सेशन ऑफ ट्रैक, जो मैंने अभी भी आपको बताया, कन्वर्सेशन को आपको ऑफ ट्रैक नहीं जाने देना है, क्योंकि 2-3 मिनट की बात जो होनी थी वो आपने आधे घंटे 45 मिनट खींच दी, तो आपका प्रोस्पेक्ट भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, बोलेगा ये क्या कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं। इसलिए कभी भी कन्वर्सेशन को ऑफ ट्रैक नहीं जाने देना, क्योंकि एक बार बातें ऑफ ट्रैक चल गई तो बातें कहाँ की कहाँ चल जाएगी आपको खुद को मालूम नहीं पड़ेगा। डोंट टेल डायरेक्टली विदाउट नोइंग दे आर फेयर नॉट, क्योंकि किसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है उसको जाने बिना आपको इन्वाइट नहीं करना है। फ़ोन कॉल किया, हाँ भाई कैसा है, चल परसों मिलते हैं अपन, है ना, ऐसा नहीं बोलना है। एक अच्छे से पहले जानना है कि चल क्या रहा है सामने वाले की ज़िंदगी के अंदर, लाइफ के अंदर, उसके अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल किसी घर पे कोई एक्सपायर हो चुका है, ओके, और आप उसको इनवाइट कर रहे हैं, तो आपको इनवाइट करने का जो भी आपका आइडिया है वो ड्रॉप करना पड़ेगा। ये काम नहीं करेगा जिससे आपकी गुडविल भी ख़राब होगी। मेन चीज़ मेक ए प्रॉपर स्क्रिप्ट बिफोर कॉल। आपको सारे मेन पॉइंट लिखने हैं जो आपको डिस्कस करने हैं, और आपको कन्वर्सेशन ऑफ ट्रैक नहीं जाने देनी है। ओके, ये सब चीज़ें हो गई, इनवाइट किस तरीके से करना है, ये 5 टेक्निक पे आप अच्छे से काम करिए। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ टेक्निक्स लेके आऊँगा पार्ट 2 के अंदर। सो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप आपके प्रोस्पेक्ट को किस तरीके से इनवाइट करते हैं। मेन फोकस है आपका इनवाइट करना, इनविटेशन, फ़ोन पे इनविटेशन कैसे करना, आपको प्रेजेंटेशन नहीं देनी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।